क्या नाम है बेटा आपका? आपको ऐसे बैठना चाहिए? फिर क्यों आप बैठे हैं ऐसे? अपने आप से बैठे हैं, पीछे जगह नहीं होती और हम दबते हैं। तो दूसरा कर लिया होता? मम्मी पापा मना करते, कहते हैं कि जैसे भी बैठो, लेकिन बैठो अगर तुम खड़े हो तो गिर जाओगे। आपको संभल के बैठना चाहिए। तो ऐसे क्यों बैठे आप? आज बच्चों की छुट्टी एक साथ हो गई है, वरना थोड़ी थोड़ी करके होते, तो आज तो हमने सोचा एक ही बार में ये बच्चे लिए जाए। इसलिए अगर कोई घटना हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम हाथ लगाए रहते हैं बच्चों को। अरे आप गाड़ी चलाते हैं, हाथ लगाएंगे? एक हाथ आप से चलाते, एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं? है ये भी तो नियम के विरुद्ध है, तब भी तो बच्चों को जान को खतरा है। एक हाथ से गाड़ी कैसे कंट्रोल होगा? आज ले लिया, रोज नहीं लेते। देखिए ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हम लोगों ने स्कूलों में वार्निंग भी आकर के अभिभावकों से भी करके टीचर से भी करके पढ़ने प्रयास कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक जागरूकता है ताकि जो ऑटो चालक जो स्कूल से बच्चों को धोने का काम कर रहे हैं, स्कूल से घर और घर से स्कूल, उसमें वो सुरक्षा के नियमों का पालन करें। ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में बच्चों को न बिठाएँ, जो संख्या मन है उसको बिठाएँ, और इसकी इसमें कोई ढिलाई पाई जाती है तो समय समय पर इसकी चेकिंग भी मेरे द्वारा कराई जा रही है, और साथ ही में कॉलेज में और स्कूल्स में इसके विषय में जागरूकता करना।